हम तीनों घर पे हैं। आरती मम्मी को मम्मी ना बोल के मम्मा मम्मा ये दे दो मम्मा कहती हो पार गिर गया। अरे उठना तो आरती घर में कुछ हो जाए इनको मैं ही दिखे खड़ा इसने होना क्योंकि गद्दे पे ये है दो गद्दे पे मैं तो एक कौन से मोमो अरे वाह देना मुझे एक बार क्या लाई है हमारी मासी गाइस मासी लाई है ये हमारे लिए बिंदु मासी जी लाई है फ्रूट ब्लास्ट केक अच्छा लगता है मेरे को और दिखाना आटे वाले बिस्किट आरती को बहुत पसंद आई वाले देसी घी आटे वाले बिस्किट ये प्रॉपर देसी घी है इसमें तो प्रॉपर स्मेल भी आती है देसी घी की मतलब फ्रेग्रेंस तो ये आरती मम्मी को पसंद है मुझे तो यार ये फ्रूट केक बहुत अच्छा लगा मम्मी को ना मम्मा मम्मा बोली जा रही है मैं कहती मैं बाहर जाऊंगी ना तो मेरा एक्सेंट ऐसे होना चाहिए देख लो आप ये जब चक्र भी बिछाते हैं ये लाल गद्दे पे जब से मैं ड्राइंग में आई हूँ मुझे इस पे सिलाया जा रहा है अच्छे गद्दे अपने पास रख लिए हैं ये महाभारत होते है वो तो देखो अर्जुन अपने भाइयों के साथ लड़ा था तो ये कौन सा अर्जुन है ये देख लो कि महाभारत तो यार क्यों लिखी गई है हमें सिर्फ दिखाने के लिए कि आपके अपने भी आपके अगेंस्ट जा सकते हैं देख लो मेरी बहन ऑर्डर कर रही है देखते हैं क्या ऑर्डर करती है कर बोलियो मामा बोलियो उठ जा हट जा हट मम्मी मम्मी बोलियो मम्मी मामा बोलियो मामा दोबारा बोलियो मामा मम्मा अभी का रोहित लगती है मुझे मम्मी पर ज्यादा मेन्यू कैसे डिसाइड करती है और भी कोई और दुकान से भी मंगा लेंगे तो फिर दूसरा बताओ किड्स किड्स कैंप खुला होगा इस टाइम किड्स कैंप का क्या खाना है तूने जैसे तूने उसके फ्राइज खिलाए थे ऐसे किसी के वैसे फ्राइज करके खिला दे मेरे पास पैकेट पड़ा है घर पे बना देते हैं उसके जैसा नहीं होगा तेरे पास कौन सा पैकेट है वैसे बन लेंगे बाहर वाले बनेंगे वैसे बनेंगे नहीं कल खिला दूंगी मैं तेरे को चाइना टाउन चल ठीक है और कुछ ऐसा कुछ समझ आ रहा है तो मेरे को टेक्स्ट कर मैं फिर वो देखती हूँ खाने का आरती ने बाहर से खाना मंगवा लिया है तो अब हम बना रही हूँ मैं कॉफ़ी कॉफ़ी के लिए हमारे पास सारे सिरप है लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली आज आइसक्रीम नहीं है अगर वो नीला आइसक्रीम होती ना तो बहुत बहुत अच्छी बनती है कॉफ़ी सो चलो जी सबसे पहले तैयारी करते हैं कॉफ़ी बनाने की आपको दिखाते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है बाहर वाली कॉफ़ी बनाने के लिए ना ऑल यू नीड इज़ ए कॉफ़ी वाला सिरप एक ब्रू का पाउच क्योंकि नेस्कैफे से थोड़ी लाइट होती है ऑफ कोर्स मिल्क एंड फ्रैपे पाउडर एंड चॉकलेट सिरप इन सबको मैं मिक्स करके डाल दूँगी इसके दो चम्मच डलेंगे इसका थोड़ा सा डालूँगी इसका एक चम्मच डलेगा सिरप डलेगा ये भी आप मान के चलो फोर स्पून डाल दोगे मिल्क डालोगे चार बंदों के लिए बना रहे हैं तो चार चम्मच ये दो चम्मच ये एक चम्मच ये एक चम्मच ये तो शुरू करते हैं कोल्ड कॉफ़ी बनाना एंड थोड़ी सी आइस कोल्ड कॉफ़ी भी रेडी हो गई है देखते हैं कैसी बनी है कोल्ड कॉफ़ी रेडी हो गई है अब देख लो कितनी मस्त भाग वाली बनी है चलते हैं लेके कोल्ड कॉफ़ी को मम्मा भी पिएगी सुनो पापा के पीछे हम लेट नाइट थोड़ी मंचिंग कर रहे हैं हम बाहर नहीं गए सिर्फ कल गए थे और मंचिंग तो हम पापा के साथ भी करते रहते हैं कल तक आ ही जाएंगे पर अच्छी बात है आज वो यहाँ पे थे भी नहीं क्योंकि इतना गंद था ना सो क्या मिट्टी में बैठते हो देख लो एन फॉर नवीन मम्मी का ग्लास एक हार्ट और ये थोड़ी सी स्माइली बनाने की कोशिश कर रही थी बिखर गई तो चलो देखिए हमारा व्हाइट सॉस पास्ता हनी चिली पटाटो तंदूरी मोमोज एंड बर्गर आ गया ए बर्गर खोलियो यार बर्गर खोल के दिखाओ बर्गर कहता है सेम वही हो गया हमारे शॉप का ही वाला देखिए इसने कुछ मियो मियो तो नहीं डाल रखे अंदर अरे यार मियो में डालते हैं चलो शुरू हो जाओगे कैसे हैं कैसे नहीं पूछ रही कैसे हैं आरती ठीक है भाई खा ले खा पापा के फोन आया हरिद्वार से एक बजे कैसे दिया उन्होंने पहले वही आपके मोंटी भैया का फोन किया मुझे बताओ आपका हरिद्वार ज्योत महोत्सव जा कैसा रहा है अच्छा जा रहा है मजा आ रहा है आपको हां बढ़िया ये वैसे स्नान करे आप ना आज नहीं और वो पंडाल आपने करी थी सेवा आज वो भीड़ थी कल चलो निकलेंगे ना अच्छा कल जाके निकलेंगे कल